दंगा गायर समाज ने जलाया राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला। युवा जिला अध्यक्ष अनिल धनगर नयाखेड़ा के नेतृत्व में जलाया ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला। धनगर गायरी समाज की राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम से न्यू टेकरी मार्ग इंदौर, जिसका नाम मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादाजी सागर सिंह सिसोदिया के नाम से गुना में सरकारी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा करने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में धनगर गायरी समाज में आक्रोश है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें धनगर समाज के लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच जगह जगह खींचातानी भी हुई। इस मौके पर धनगर गायरी समाज के प्रदेश महासचिव समृद्ध धनगर, जिला अध्यक्ष कैलाश पाटोद, युवा जिला अध्यक्ष अनिल धनगर, देह सेना जिला अध्यक्ष सुरेश धनगर, जगदीश फौजी, विशाल धनगर, राकेश धनगर, कमल धनगर, दिलीप धनगर, गोपाल धनगर, कृष्णा धनगर, संतोष धनगर, समृद्ध धनगर नांदवेल, दुर्गेश धनगर, महेश धनगर, किशोर धनगर, कन्हैया लाल धनगर के साथ बड़ी संख्या में धनगर गायरी समाज के समाजजन उपस्थित रहे। मंदसौर से राजनीतिक हलचल न्यूज के लिए राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। समाज के करीब 20 लोगों द्वारा पुतला दहन का प्रयास किया गया था, जिसे पुलिस द्वारा पूर्णतः विफल किया गया है। किसका पुतला दहन किया गया है? ये बता रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन करने वाले थे, लेकिन पुलिस द्वारा उसे विफल किया गया। धारा 144 लगी हुई है, क्या लगता है इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकर पुतला दहन किया और क्या मांगे आप लोगों? आज जो ज्योतिराज सिंधिया ने धनगर गायरी समाज के खिलाफ जो गद्दारी करी है, उसके लिए धनगर गायरी समाज काफी आक्रोशित है। जो कई बरसों से लगातार पीढ़िया दी पीढ़िया देखते आ रही है कि देवी अहिल्या बाई के नाम का रोड है, उस रोड का नाम वो चेंज कर रहे हैं। इसमें धनगर गायरी समाज सहन नहीं करेगी। यदि धनगर गायरी समाज इस मुद्दे को लेकर आज आवाज उठाई है, और कल ज्योतिराज सिंधिया जब भी मंदसौर आगमन होगा, ज्योतिराज सिंधिया को फूल मारा से नहीं जूते की मारा से स्वागत करा जाएगा धनगर गायरी समाज की ओर से। मेरा नाम अनिल धनगर है, मैं युवा जिला अध्यक्ष धनगर को लेकर धरना दिया गया है। धनगर गायरी समाज के तत्वाधान में ज्योतिराज सिंधिया है, उन्होंने धनगर गायरी और वीरांगना जो कि देश की प्रिय न्यायप्रिय है, जिसने समाज के प्रति और सभी समाज को लेकर चली है, उनके नाम से जो रोड था न्यू टेकरी इंदौर में, उसका नाम चेंज कर और महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि मंत्री हैं वर्तमान में भाजपा सरकार में, उनके नाम उनके दादाजी के पिताजी के नाम से उस सागर सिसोदिया करके और देवी अहिल्या बाई का अपमान किया है, और समाज उसके तत्वाधान में धनगर गायरी समाज उनका पुतला दहन किया है। और आगे अगर उसका नाम चेंज नहीं करते हैं तो धनगर गायरी समाज उग्र आंदोलन करेगी, और उसके लिए जो कार्रवाई होगी समाज की ओर से वो हम आपको करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? विशाल धनगर। सर, पुतला दहन किया गया, किस विषय में पुतला दहन हुआ? जो गोखले काम किए, जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, पहले 1857 में देश के साथ, उसके बाद 2020 में अपने माँ जैसी पार्टी के साथ, और अब धनगर गायरी समाज के साथ जो मदद करी है, और जो न्यू टेकरी रोड इंदौर में जो अहिल्या देवी होलकर के नाम से जो रोड था, उस रोड का नाम बदल कर अपने प्रिय मंत्री साथी महेंद्र सिंह सिसोदिया को, पंचायत समिति में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पिताजी सागर जी सिसोदिया के नाम कर दिया है, उसको लेकर धनगर गायरी समाज में काफ़ी आक्रोश था, और इसी के तहत वो ज्योतिराज सिंधिया का पुतला दहन किया गया है। भारतीय निवाड़ा धनगर गायरी समाज की ओर लगातार अपडेट के लिए हमारे